हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। देखिए, आज लड्डू गोपाल जी के लिए हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। वो देखिए, देखने में इतनी सुंदर लगती है। और हमने ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है, चोली से लेके घेरे तक। इसी वीडियो में हमने बताया है। ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमें फंदे में ऐसे नोट लगा लेनी है इस तरीके से। फिर हम चैन बनाएंगे ऐसे। हमें यहाँ पे ये 16 चैन बनानी है। देखिए, हमने चैन बना ली है। अब हम यहाँ पे तीसरी चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैन में से हमें एक एक बार बनाना है। और देखिए, इस धागे को भी हम इसी के अंदर ले लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे ये 14 डबल क्रोशिया है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे 3 चैन बना ली। 3 चैन बना के हमें सभी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सभी चैन में से 2 बार लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है और हमारे यहाँ पे टोटल 28 डबल क्रोशिया है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद रो बनाने के लिए देखिए, हमें 3 चैन के बाद इसे नेक्स्ट चैन से डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसे नेक्स्ट में से बनाना है। ठीक है, 3 ये हमारे हर 3 चैन पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें से हमें 1 बार रो बना लेना है। हर तीसरी चैन पे थर्ड रो में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर तीसरी चैन पे बनाना है तीसरी रो में। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने तीसरी पे बना लिया। यहाँ पे इसी तरीके से हम रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस रो को कंप्लीट कर लिया है और टोटल हमारे यहाँ पे 34 डबल क्रोशिया है, 34 डबल क्रोशिया है। अब हमें बाजू निकालनी है। पहले हम 3 चैन बनाएंगे, फिर हम इसको टर्न कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे डबल क्रोशिया। 3 की चैन को भी काउंट कर लेंगे, 2 हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट में से 3 और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम एक तरफ के लिए, फिर हम बाजू के लिए रखेंगे। 8 को स्किप करके 9 में से हमें बनाना है। इस तरीके से हमारी एक बाजू आ जाएगी।
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब यहाँ पे भी हम एट को स्किप करके नाइन में से बना लेंगे। फोर डबल क्रोशिया इधर बनाना है हमें और देखिए इतनी लड्डू गोपाल जी की चोली हमारी तैयार हो गई। अब हम लास्ट का रो बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी तीन और चार नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। थ्री चैन बना के फिर हमें इसी चैन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमारे टोटल यहाँ पे नीचे सभी चैन में से एक एक बार बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे 18 हो जाएंगे, 18 डबल क्रोशिया। हमने एक यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है, हमारे यहाँ पे 17 थे, 17 थे। अब हमारे यहाँ पे ये लास्ट में चोली की रो में 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 18 डबल क्रोशिया। तो हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लास्ट में आ गए। अब चोली को हमें जॉइंट करना है। अगर आपको ओपन रखना है तो आप इसे यहाँ से जॉइंट मत कीजिए। देखिए अब सभी देखिए यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरीके से घेरा बनाने के लिए हमें यहाँ पे आना है जिससे हमारे घेरे की फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी की चोली बनके तैयार हो गई। तीन और चार नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है ये। अब बहुत ही आसानी से बन गई। अब आप आउटलाइन भी बना सकते हो इस पर, हम लास्ट में बनाएंगे घेरा बनाने के बाद। अब देखिए अब हम घेरा बनाएंगे। पहले हम वन टू थ्री थ्री चैन बनाएंगे, फिर इसी चैन में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। सभी चैन में से हमें दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है घेरे की फर्स्ट रो में। देखिए फ्रेंड्स हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे ऐसे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। थ्री चैन बना के इसी चैन में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है तो हमारे यहाँ पे ये टू डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में वन बनाना है, फिर से नेक्स्ट में भी वन बनाना है और फिर थर्ड जो हमारी चैन है उसमें से हमें दो बनाना है और तीसरी चैन पर हमें दो बनाना है। इसी तरीके से हम ये थ्री रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो हमारा सभी चैन में से दो दो बार डबल क्रोशिया था, सेकंड और थर्ड में हम हर तीसरी चैन पे दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। हर तीसरी चैन पे हमें बनाना है, हर तीसरी चैन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। और देखिए फ्रेंड्स इसको कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने घेरे को कंप्लीट कर लिया है इतना और हमारे यहाँ पे टोटल थ्री रो कंप्लीट हो गए घेरे के। अब हम आगे डिजाइन के बनाएंगे, दूसरा कलर ऐड करेंगे इसमें। देखिए आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन अपने अनुसार भी ले सकते हो। हम इस कलर को जॉइंट करेंगे ऐसे और मैंने यहाँ पे थ्री चैन बना ली है, फोर फाइव सिक्स। हम यहाँ पे सिक्स चैन बनाएंगे। सिक्स चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमें वन टू थ्री यहाँ पे इस थर्ड चैन में से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ से लेंगे, तीसरी चैन है जो हमारी
इसमें से थ्री की चैन को भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 और देखिए 4। हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें यहाँ पे 1 2 2 चैन को स्किप करके थर्ड चैन में से डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए इस तरीके से। अब हम 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बना के हमें यहाँ पे इस डबल क्रोशिया में से फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और देखिए 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 चैन को स्किप करेंगे, थर्ड चैन में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से। अब हम 1 2 3 3 चैन, फिर 3 चैन बना के फिर डबल क्रोशिया बनाना है, 3 की चैन को भी काउंट कर लेंगे, 4 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाना है, सभी में से हमें 4 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चैन को स्किप करेंगे, थर्ड चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3 3 चैन, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें से, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चैन को स्किप करेंगे, थर्ड चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इसी तरीके से हमें अपना रो कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रो कंप्लीट कर लिया है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अब देखिए, अब हम लास्ट में आ गए। अब देखिए 2 चैन को स्किप करके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चैन बनाएंगे, ये हमारा लास्ट का है, 2 3 और देखिए 4 4 डबल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे जो हमने 3 चैन बनाई थी इसकी थर्ड चैन में से देखिए यहाँ से हमें इसको एक स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट कलर जॉइंट करना है, इतना हमने इसको बना लिया। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे, आप अपने अनुसार कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इसको जॉइंट करना है जहाँ से हमने इसको बंद किया था। इस तरीके से अब हम यहाँ पे देखिए ऐसे धागा लेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे धागा लेंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे इसके सेंटर में से इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब हम 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, 3 की चैन को भी काउंट कर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है, उसके सेंटर में से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, अब देखिए यहाँ से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब देखिए 1 2 3 3 चैन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के सेंटर में से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए हमारे, 3 की चैन को भी काउंट कर लिया, 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके सेंटर में से बनाएंगे देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 चैन, फिर सेंटर में से डबल क्रोशिया, 2 3 की चैन को भी काउंट करेंगे, 3 4 5 और देखिए 6 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके सेंटर में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे
ऐसे। इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए हम अपने रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अब देखिए लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके सेंटर में से हमें इसको ऐसे जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए अब हमें इसको यहाँ से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा लास्ट का है। फिर 1 2 3 थ्री चैन बना के फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 के चैन को भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 और देखिए 6 डबल क्रोशिया। फिर देखिए इसके सेंटर में से हमें इसको देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर देखिए जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। अब हम देखिए यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें दूसरा कलर ऐड करना है। देखिए इस तरीके से हमने एक चैन बना ली है। एक चैन बनाने के बाद देखिए हमें फिर से यहाँ से इसके सेंटर में से बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। 2 और देखिए 3 ऐसे। फिर 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। फिर इसमें से डबल क्रोशिया 3 की चैन को भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 और देखिए 8 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इनके सेंटर में से तो हमारे 6 डबल क्रोशिया थे। 3 को स्किप करके सेंटर में से जो चैन है उसमें से हम इसको जॉइंट कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया से। फिर देखिए फिर हम यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागा लेंगे और देखिए ऐसे 1 2 और देखिए 3 टाइम्स धागा निकालेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे इस तरीके से। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चैन को भी काउंट करेंगे। 2 हो गए हमारे। 3 4 5 6 7 और देखिए 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से 3 चैन के बाद जो सेंटर की चैन है उसमें से हम इसको जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम 2 बार धागा लेंगे उसके सेंटर में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 3 इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया हमें इसमें बनाना है। सभी में हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। देखिए फिर इसके सेंटर में से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए हम अपना ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और देखिए देखने में हमारी ड्रेस काफ़ी सुंदर लगती है। अब हम लास्ट में आ गए। अब लास्ट में हमें कैसे जॉइंट करना है इसको देखिए मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके सेंटर में से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे।
देखिए हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे और फिर हम इसके सेंटर में से जो हमने लिया नहीं था शुरू में वहाँ से भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। और देखिए अब हम धागे को यहीं पे कट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके रेडी हो गई। और देखिए मैंने सभी धागों को कट कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। अब हम चोली पर आउटलाइन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना के हम आउटलाइन बनाएंगे। देखिए आउटलाइन के लिए हमने इस कलर का धागा लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर लेंगे धागे को। और जितने भी हमारी चैन है सभी चैन में से हमें दो दो सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स हमसे कहते हैं, हम बीच में धागा नहीं लेते क्रोशिया हुक के। देखिए इस तरीके से अब देखिए नेक पे बनाएंगे हमें डबल क्रोशिया के सेंटर में से एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है, सभी डबल क्रोशिया के सेंटर में से। सभी के सेंटर में से हमें एक एक बार बनाना है। देखिए अब हम इसी तरीके से इधर भी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। और देखिए मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के रेडी हो गई, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। थैंक यू।